स्वामी हिरदाराम साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर सिंधी समाज महासमिति द्वारा हिंदुजा समूह का इन सेंट फाउंडेशन द्वारा चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप, विधवा व विकलांगों को वित्तीय सहायता का कार्यक्रम रसोई बैंकवेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष कौर प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि सिंधी समाज महासमिति पिछले 6 वर्षों से सेवा व समाज से जुड़े कार्यक्रमों में हमेशा अग्रणीय रही है। वह स्वामी हिरदाराम साहब की पुण्यतिथि सभी को पुष्कर प्रसाद के रूप में बूढ़ा, बच्चों और बीमार है परमेश्वर के यार करो भावना से इनकी सेवा पाओगे लोक परलोक में सुख अपार की भावना को लेकर कार्य कर रही है। उसी कड़ी में हिंदुजा समूह ने स्वामी जी से प्रेरणा लेकर जो आज अजमेर में सेवा का यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है उसके लिए सभी डायरेक्टर्स व समूह से जुड़े साथियों का धन्यवाद भी प्रेषित किया। संस्था के महासचिव हरिचंदनानी ने बताया कि पिछले माह हिंदुजा समूह के डायरेक्टर श्री गुल हिंदुजा से संपर्क कर अजमेर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी और जरूरतमंद परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रारंभ किया जाए, उनकी सभी जरूरी कागजातों को पूरा कराकर प्रेषित किया गया। समूह द्वारा स्वीकृत राशि प्रतिभाशाली 3 विद्यार्थी के लिए कुल 36,000 व विधवा विकलांग के लिए 13,500 का वितरण मुख्य अतिथि साई बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरधर तेजवानी व वरिष्ठ अतिथि हरिराम कोडवानी की उपस्थिति में वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वामी हिरदाराम साहब के मूर्ति पर सभी अतिथियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर सिंधी समाज महासमिति के प्रेम केवल रमानी, प्रकाश सिंह गोरानी, रमेश टिलवानी, महेंद्र भोजवानी, दिनेश मुरजानी, कमल लालवानी, नारी बागानी, जयकिशन चंचलानी, मोहन पेरियानी, दिलीप भुरानी, ईश्वर अमरनानी, अजित पमनानी आदि उपस्थित थे। उन्हें रेस्पॉन्स का ही नतीजा कि अजमेर की कुछ माताओं के या कुछ बारन के होनार बारन के कुछ स्कॉलरशिप के रूप में पैसा मिल जाए। आज उन्हीं की मतलब चैक्स हैं कुछ कैश तो पिछले महीने असान पहुंची पर असानी मन की इच्छा हुई कि अड़ो दिन हो जाए अड़े दिन शुरुआत थे जिनकी हमेशा ही आप पैसा हलंदा रहन ऐं के भी तरीके सा जे साइजन पांजे जीवन में से रोज संदेश दिनों कि बूढ़ा बच्चा और बीमार बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद करें भावना से सेवा की करें भावना से सेवा की पाएंगे लोग बड़ों पर सुख पा। ये जो भावना वठी करे हिंदुजा ग्रुप आरण ये जो सेवा जो कम अज उन्हें चालू कर उन्हें पहले ही चालू करवा पर अज अजमेर में इनकी नीर समझो अज चालू किया या निश्चित रूप से अज तय थोड़ा ही अमाउंट असाज माताओं के असा उन कन्याओं के मिले है अग्या भी हरिचंदानी की ये भी कोशिश करना है ताजो उन्हीं सा गड पूरा ग्रुप लगी करे कम करे पे निश्चित रूप से यह गाल बनी करे हम जो कि यो पैसा जितना अधिक मान के असा पहुंचाने की कोशिश कर दी असाजी समिति की जिम्मेदारी है उन्हें जिम्मेदारी असा वफादारी से निभाने की कोशिश कर दी। गाल सभी का वही गाल यह रही है कि पैसा अचन तो उन्होंने सदुपयोग सभी का वही गाल आज 12,000 रुपए जो चेक उन कन्याओं के मिलो जो स्कॉलरशिप के रूप में उनके मिली निश्चित रूप से अमाउंट दसांजे दृष्टिकोण सा डाडो नंदो क्योंकि बारन की खर्च इतना होती है बारन की एजुकेशन में खर्च है बारन की कितने एडमिशन वर्किंग में डाडो परेशानी है पर तो कितने कितने समिति या कोशिश करनी रही कि उन्होंने बारन लाए असा जो भी कोशिश कर सकते समाज का जितना भी भमाशा है उन्होंने भी जुड़ी करें असि उन्होंने भी वही करें जो भी हैरानी होगी भाई असा पैसा खपन असि बारन लाइ पैसा खपन तो निश्चित रूप से असा शहर का जो भमाशा है वो हमेशा तैयार रहना है हमेशा उन्होंने तरफों असानी तरफों यह थी कि तरीकानी कम कर पर सब तक गए सेवा के कम में असा हमेशा गठित है हरिचंदानी जी की कोशिश कन पाया निश्चित रूप से उन्होंने यह कोशिश वही रही है मसागढ़ मन से मुझा वाला भा महेश तेजवानी जी बैठा है महेश तेजवानी जी भी साई बाबा मंदिर में असा तो एक्चुअल में पूरी थोड़ी घनी सिंधी समाज महासमिति की तरफों फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अखबार में थोड़ो घड़ो बिन प्रेरणा देने लाइ विझंदा ही परंतु भैया की तरफों तो समझी कर लो जो सेवा जहां थे एतो साइलेंट थी जो साइन चवंदा कि एकड़े हथा दे बे हथ के खबर न पवे उन हिसाब से भाई साहब कम करना है असा की मुख्य ढी खुशी थी कि भाई साहब जो सेवा जो कम कन पाया निश्चित रूप से भाई साहब के जो मन में जो गाल है ये हमेशा बदलती रहे। सिंधी समाज महासमिति जो रजिस्टर्ड संस्था है अनेक वर्षों से
अपने सदस्यों के सहयोग से सिंधी समाज और शहर के अनेक सेवा कार्यों में भाग ले रही है। उसी कड़ी में आज हमने हिंदुजा फाउंडेशन, इंडसइंड फाउंडेशन बम्बई के मदद से शहर में स्वीकृत पेंशन के और स्कॉलरशिप के पैसों का वितरण किया। हिंदुजा परिवार जो बम्बई स्थित है, वो हमेशा पूरे भारत में ज़रूरतमंद विधवाओं, विकलांग और स्कॉलरशिप के लायक बच्चों को हर वर्ष सहायता करता है। सिंधी समाज महासमिति ने उस संस्था से संपर्क कर उन विधवाओं और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए पेंशन का निवेदन किया था। संस्था ने 9 परिवारों को 500 रुपये प्रति माह पेंशन का स्वीकृति दी। उन परिवारों को आज 1500 रुपये नकद 3 महीने की पेंशन स्वामी कॉम्प्लेक्स में वितरित की गई है। और ऐसे ही 5 बच्चों का नॉमिनेशन किया गया था कि उनको हर माह कुछ स्कॉलरशिप दी जाए, तो 3 बच्चों की स्वीकृति प्राप्त हुई और उन बच्चों के 12,000 रुपये के चेक हमें आज प्राप्त हुए थे, 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, उनका आज यहाँ वितरण किया गया। यह प्रोग्राम परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहब के 13वीं पुण्य वर्षी के दिवस पर स्वामी कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। सिंधी समाज महासमिति के समस्त सेवादारियों ने, सदस्यों ने इसमें भाग लिया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।